अब देखिए गाइस यहाँ का नज़ारा क्या खूबसूरत जगह है। हेलो गाइस, वेलकम बैक योर फेवरेट चैनल डांसर मोनू व्लॉग। करते हैं आज के नए दिन और नए व्लॉग की शुरुआत। आज मैं जाने वाला हूँ गजनेर। गजनेर राजा महाराजाओं का एक ऐसा स्थान जहाँ राजा महाराजा शिकार करने के लिए जाते थे। बहुत ही सुंदर जगह है, तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं पहुंच चुका हूं गजनेर पैलेस। तो पीछे ये जो आप गेट देख रहे हो, ये है गजनेर पैलेस का मेन गेट। इससे पहले कि हम अंदर चले, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये जो बन रहा है ना, इससे पीछे देखिए आप एक मंदिर दिख रहा है आपको। ये जो मंदिर है, ये करणी माता का मंदिर है और ये महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा बनाया गया है। तो चलिए पहले वो मंदिर देखेंगे, और उससे भी पहले मैं थोड़ा पानी पीना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है। पैलेस का गेट तो आप देख पा रहे हो, लेकिन इस साइड जो है आप देखोगे कि पूरा गजनेर गाँव है, और गांव एक तरफ गांव है और दूसरी तरफ है ये गजनेर पैलेस। अभी मैं जा रहा हूं उस मंदिर के पास। मंदिर की एक कहानी आपको सुनाता हूं कि महाराजा गंगा सिंह करणी माता के बहुत ही बड़े भक्त थे। इतने कहेंगे स्ट्रांग भक्त थे कि वो अपनी पत्नी का चेहरा देखने से पहले मां करणी के दर्शन करते थे, और उनकी भक्ति जो थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग भक्ति थी। इसलिए एक समय ऐसा आया जब वो करणी माता से कहते हैं कि मुझे आप अपने शरण में ले लीजिए, और आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए और अपने मेरे साथ चलिए। ऐसा कहकर महाराजा गंगा सिंह जी जो है अपने साथ करणी मार को लेकर आते हैं। लेकिन इस स्थान पर पहुंचने के बाद वो पीछे मुड़ के देख लेते हैं, जबकि करणी माता का कहना होता है कि जैसे ही आप पीछे मुड़ के देखोगे, मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊँगी, मैं वहीं रह जाऊँगी। दोस्तों, ये है माँ करणी का मंदिर जो महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा बनाया गया है। फिलहाल अभी आप इस पर देख सकते हो ताला लगा हुआ है, इसीलिए मैं इसके अंदर से आपको नहीं दिखा सकता। ये हम कर लेते हैं बाहर से करणी माँ के दर्शन। और इसकी जो स्टोरी थी, इसकी जो कहानी थी, मैंने आपको सुना दी। अब चलते हैं हम गजनेर पैलेस के अंदर। तो दोस्तों, ये आप जो देख रहे हो, ये है गजनेर पैलेस का सेकेंड गेट। पहले गेट से हम अंदर घुस चुके हैं, और सेकेंड गेट भी हमने जो है पार कर लिया। लेकिन उन जो गार्ड से पूछने पर पता चला कि टिकट आपको मिलेगी आगे, और तो अभी हम पहुंचने वाले हैं अंदर। दोस्तों, अब जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है गजनेर पैलेस का होटल, और इसका निर्माण करवाया था महाराजा गंगा सिंह जी ने लाल बलुआ पत्थर से। और इसका जो नाम रखा था उनके पिताजी के ऊपर उनका नाम रखा था महाराजा गज सिंह के नाम के ऊपर। अभी चलते हैं अंदर टिकट लेने के लिए, और फिर अंदर से देखते हैं अंदर से कैसा है, और बहुत मज़ा आने वाला है आज के व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, टिकट हमने ले लिया है। टिकट है 250 का। जब भी आप यहाँ आए तो ये अंकल जी आपको मिलेंगे, इनसे आप टिकट ले सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। तो अब है हम गजनेर पैलेस के अंदर, और आप देख सकते हो यहाँ की खूबसूरती। और ये देखिए एक टेबल रख रखा है, जिसके अंदर कुछ फूल से सजा रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। जो आप गेट देख रहे हो, यहाँ से चलने वाले हैं, और फिर आपको दिखाता हूँ अंदर का नज़ारा, बहुत ही शानदार है देखने में। तो चलिए चलते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है। हो, बहुत ज़्यादा हैरान रह गया हूँ मैं देखकर। लेकिन पहले देखिए ये फंवारा, कितना सुंदर फंवारा है गाइस। बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ पर अक्सर होती रहती है, हो चुकी है, और देख सकते हो कितनी रॉयल प्लेस है, और बहुत से लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए, और हर जगह सुंदरता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। गजनेर पैलेस की खासियत यह है कि यहाँ का जो इसको बनाया गया था राजाओं महाराजाओं के शिकार के लिए और छुट्टियां बिताने के लिए, लेकिन बाद में इसको 1976 में होटल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। अब ये एक होटल है गजनेर पैलेस होटल के नाम से। तो अभी चलते हैं हम, और पीछे का जो नज़ारा जो मैं बता रहा हूँ कि मैंने अभी तक आपको नहीं दिखाया, दिखाता हूँ आपको। और सच बता रहा हूँ, ऐसी खूबसूरती मैंने अपने लाइफ में नहीं देखी, इतना ज़्यादा खूबसूरत है। ये है
गजनेर पैलेस लेक। देखिए यहाँ पे आप वोटिंग भी कर सकते हो, वोट भी है यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा सुंदर दोस्तों, ये जितना भी पानी जो आपको दिख रहा है ना, ये बरसात का वाटर है और ये जो है ऐसे ही रहता है हर साल, लेकिन पीने के लिए काम नहीं आता। लेकिन आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा सुंदर है, और इसको जो बनाया गया था तो इतना गहरा नहीं था, लेकिन बाद में जब पानी की कहें राजस्थान में पानी की आवश्यकताएं पड़ती रहती है, वैसे पीने का नहीं काम आता था, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तब इसको महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा और ज़्यादा गहरा बनाया गया। और अब जो है ये पानी यूं ही इकट्ठा होता रहता है, और ये देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर है दोस्तों। ये किसी सिनहरी या किसी ड्राइंग से कम नहीं है। मैं बैठा हूँ लेक के सामने और मैं ले रहा हूँ ठंडी हवाओं का खूब आनंद। बैठा हूँ गाइस, बहुत ही ज़्यादा सुकून, माइंड को रिलैक्स मिल रहा है। ऐसी जगह घूमने पर गाइस बहुत ही ज़्यादा कहें तो दिल को सुकून मिलता है और बहुत मज़ा भी आता है। वैसे राजस्थान में बीकानेर में बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए, बहुत कुछ है दिखाने के लिए, उतना तो मैं आपको दिखा भी नहीं सकता जितनी यहाँ पर फेमस चीज़ें हैं। अभी हम चलते हैं मंदिर, और मंदिर की क्या ख़ास बात है वो भी मैं आपको बताता हूँ, और जो मंदिर है वो किस भगवान का है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मंदिर, ये वाला मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो वहीं पे हम चलने वाले हैं। ये है शिव जी और गणेश जी का मंदिर। तो मंदिर को मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, और पहले हम दर्शन करेंगे। वैसे तो शिव जी जो हैं गणेश जी के पिताजी हैं आप सब लोग जानते हो, लेकिन फिर भी हमें पहले दर्शन करने चाहिए किसके, गणेश जी के। तो पहले हम गणेश जी को प्रसन्न करेंगे, उनके दर्शन करेंगे, उसके बाद आपको दिखाता हूँ यहाँ का शिव मंदिर। तो ये है गणेश मंदिर, और पहले ढोल नगाड़े रखे हुए हैं जब आरती होती है, पूजा होती है उसके लिए। राजस्थान की सबसे ख़ास बात यह है गाइस कि शिल्पकला, हस्तकला या फिर कहें चित्रकला, इन सब में बहुत ही ज़्यादा बारीकी है, बहुत ही ज़्यादा महारत हासिल की हुई है। अब जो सामने जो है वो है शिव मंदिर, तो मैं आपको शिव मंदिर दिखाता हूँ। दोस्तों अभी चलते हैं सामने की ओर। सामने की ओर कुछ कुर्सियाँ और टेबलें रखी हुई है, लेकिन देखकर आप बहुत ज़्यादा अफसोस करने वाले हो, क्योंकि बैठने पर ऐसा लगता है जैसे बहुत ही रॉयल हैं हम, और बहुत ही राजा महाराजाओं जैसी लाइफस्टाइल हो गई है। तो पहले मैं यहाँ पे बैठकर आपको दिखाता हूँ कैसा लगता है। तो यहाँ कर चुका हूँ मैं थोड़ी देर आराम, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा पेड़ जो 300 वर्ष पुराना है। दोस्तों अब जो आप मेरे ये पीछे जो ये पेड़ देख रहे हो ना, ये है 300 वर्ष पुराना पेड़, और ये शायद बरगद का पेड़ होगा, लेकिन ये 300 वर्ष पुराना है और अभी भी देखो हरा भरा है, बहुत ही बड़ा पेड़ है, देख लीजिए। दोस्तों उस साइड चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ के जो डिलेक्स रूम हैं वो हैं 32 और स्वीट्स हैं 13, टोटल है 45। और गाइस आपको बता दूँ, जब भी आप यहाँ आना चाहोगे, यहाँ की खास बात क्या है, खास बात ये है गाइस कि यहाँ पे है सबसे बड़ी शांति, शांत प्लेस है। शोर है लेकिन वो है सिर्फ पक्षियों का, जिसे शोर नहीं कहेंगे, जिसे कहेंगे म्यूज़िक, और वो भी स्वीट सा म्यूज़िक जो प्रकृति का म्यूज़िक है, शहरों में और जो भीड़ भाड़ इलाकों में सुनाई नहीं देता है। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ इस साइड, और इस साइड आप देख सकते हो ये एक और खूबसूरत जगह है, और सामने कुछ लोग कर रहे हैं बोटिंग, और बहुत ही शांत, बहुत ही अच्छा एक अनुभव है यहाँ आने का, और आप भी ज़रूर आएँ मैं ये कहूँगा। ये है यहाँ के लग्जरी रूम्स, आप देख सकते हो। दोस्तों अभी मैं वो सब तो दिखा चुका हूँ उस साइड वाला, लेकिन इस साइड जैसे ही मैं आया हूँ आप देख सकते हो पीछे काफ़ी अच्छा हरा भरा माहौल, यानी कि हरा भरा गार्डन जैसा बनाया गया है, लेकिन उससे भी ज़्यादा
खूबसूरत चीज़ है, गढ़ बनाया गया है, उसकी खूबसूरती मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है गाइस यहाँ की खूबसूरती। उस टाइम इन सारे कारीगरों ने जो कमाल दिखाया था वो आज हम वीडियो बना कर आपको दिखा रहे हैं। तो गाइज अभी मैं ले रहा था इस झूले का आनंद, बहुत मज़ा आया। ऐसा लग रहा था कि मैं भी कोई राजा महाराजा हूँ, लेकिन बहुत मज़ा आया। सामने जो मेरे है ये तालाब, जो पहले मैं बता चुका हूँ अभी। तो गाइज इस तालाब की ख़ास बात आपको और बताता हूँ। ख़ास बात ये है कि यहाँ पर आते हैं विदेशी पक्षी। एक साल का एक समय ऐसा होता है जब विदेशी पक्षी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, यहाँ रहने के लिए आते हैं कुछ समय के लिए, और फिर जो है वो अपने देश वापस लौट जाते हैं। उन सारे विदेशी पक्षियों का मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन अपने भाषा में एक पक्षी का नाम बता सकता हूँ, वो है कुरजा। तो गाइस ये स्थान पक्षियों को भी इतना आकर्षित करता है। ये है धूप में आराम करने के लिए। और अब पीछे की साइड आपको दिखाता हूँ, ये अभी जो आप देख रहे हो ये है होटल। हम होटल वाली साइड आ चुके हैं। तो दोस्तों अभी मैं वापस आ गया हूँ उसी हॉल के अंदर, और राजा महाराजाओं जैसी लाइफ जो है इसको मैं फील कर रहा हूँ, थोड़ा आराम कर रहा हूँ। और बताता हूँ आपको एक किस्सा। महाराजा गंगा सिंह जी बहुत ही अच्छे शासक थे, और उनके दौरान जब भी अंग्रेज़ या ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जब भी आते थे, बड़े बड़े अधिकारी जब भी आते थे, तो उनको यहीं ठहराया जाता था और फिर उनका यहीं से स्वागत करके, यहीं से खाना पीना करवाकर, यहीं से विदा कर दिया जाता था। उन्हें कभी बीकानेर जूनागढ़ में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। अभी मैं आ गया हूँ गजनेर पैलेस की दूसरी वाली साइड, यानी कि गजनेर पैलेस से बाहर। और ये है जंगल वाला एरिया, आप देख सकते हो भरपूर जंगल है यहाँ पर। और देखिए कितने पक्षियों की आवाज़ें आ रही है। तो जब राजा महाराजाएँ थे उस टाइम तो कहें कि शिकार करना अलाउड था, अभी तो ऐसा नहीं होता शिकार की प्रैक्टिस करना ये सब। लेकिन अभी जो है हम चाहते हैं कि ऐसा बिल्कुल ना हो। लेकिन आप देखो पीछे जंगल, ये देखिए गाइस, और सामने जो आप देख रहे हो ये है मोर, और दूसरे पक्षी भी हैं यहाँ पे। ये जंगल गाइस इतना छोटा सा नहीं है जितना आपको दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा जंगल है। पीछे इस साइड जितना भी आपकी जो नज़र जा रही है, जितनी दूर भी आप देख सकते हो वीडियो में, वो पूरा जंगल है। ये जो आप जगह देख रहे हो ना जिस पर मैं खड़ा हूँ, ठीक है, ये दरगाह के पास की जगह है। लेकिन इसकी जो डिज़ाइन जो बनाई गई है ना, ये देखिए कैसे बनाया गया है, अलग अलग टाइप का डिज़ाइन बनाया गया है। उस पेड़ के पीछे से अलग टाइप का और इस साइड का अलग से। ये एक पिस्तौल का नक्शा है। अबे बताइए ये बिट है? अच्छा ये वाली, ये रखने का, यहाँ कंधे पर रखने की बिट है। टाइगर खांसता है ना? हाँ हाँ, टिगर टिगर, हाँ हाँ। एक हाथ, ये हाथ तो इसमें रहता है जी, उसमें मतलब टाइगर खांसने का ये पिस्तौल है। ये बता रहे हैं कि यहाँ पे एक शबनम महल भी बनाया गया। तो पहले शबनम महल देखते हैं, ये किस काम आता था? ऊपर जाने के वास्ते। अच्छा ऊपर जाने के लिए, हाँ। अच्छा तो ये इसका रास्ता है क्या? ये रास्ता, अच्छा ये रास्ता, अच्छा ऐसे घूम के फिर लिपट आऊंगी। तो ये तो बहुत अंदर, अभी तो कोई नहीं जाता होगा इसके अंदर। अभी कहाँ वास्ते जाओ, कौन? अच्छा तो दोस्तों अभी आ चुका हूँ मैं ऊपर पूरी हाइट पर, और अब यहाँ से आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए यहाँ का नज़ारा, अब देखो गाइज ये है झील, और ये देखो ये जा रहे हैं जंगली सुअर। ये देखो जंगली सुअर जा रहे हैं, कुछ पक्षी भी हैं। तो अभी गाइज मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, अब जा रहा हूँ वापस घर। कैसा लगा आज का वाला ये व्लॉग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, आपका अपना चैनल है गाइज। और अब चलते हैं
घर, और अगली बार मैं दिखाऊंगा कुछ ऐसी ही खास जगह, तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं आपको ऐसी जगह और दिखाता रहूँ।